अगर आपका कोई डेटा डिलीट हो जाता है, लाइक वो फ़ोटो हो सकता है या फिर डॉक्यूमेंट हो सकता है। स्पेशली बात करते हैं फ़ोटोज़ की, तो फ़ोटो में होता क्या है कि हमारा कोई ऐसे फ़ोटो होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, वो डिलीट हो जाते हैं जब हमारे फ़ोन से, तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। तो उसको किस तरीके से आप लोग रिकवर करेंगे? अगर आप लोग इसको रिकवर करवाने के लिए किसी शॉप पर जाते हैं, कुछ पैसे लेते हैं, उसके बाद से आपका जो फ़ोटो है वो ओरिजिनल फॉर्मेट में वो सब रिकवर करके दे देंगे। गाइस ये सारी चीज़ें वो कंप्यूटर सिस्टम से करते हैं, और कंप्यूटर सिस्टम से कैसे डेटा रिकवरी करते हैं इसका भी मैं वीडियो नेक्स्ट सेशन में लेकर के आ जाऊंगा। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे अपने फ़ोटोज़ को रिकवर कर पाएँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। क्योंकि यार यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, और स्पेशली जब फ़ोन में से डेटा डिलीट हो जाता है, लाइक आपका फ़ोटो डिलीट हो जाता है, कोई वीडियोस डिलीट हो जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करने पड़ते हैं कि यार किस तरीके से हम अपने डेटा को रिकवर करें। सो इन दिस वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा कैसे आप अपने डिलीट हुए फ़ोटो को कैसे रिकवर कर पाएंगे। तो उसके पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो वीडियोस का जो नोटिफिकेशन रहेगा आप लोगों को मिलता रहेगा। सो गाइस इन दिस केस हमको कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ स्पेशल एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। मैं स्टेप बता रहा हूँ किस तरीके से आप लोगों को करना है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, जिस एप्लीकेशन का नाम है डिस्क डिगर। इसको ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलता है, जिसमें से आपको स्टार्टिंग में बेसिक देखने को मिलेगा और एक रूट स्कैन देखने को मिलता है। तो स्पेशली बात करें बेसिक स्कैन और रूट स्कैन में डिफरेंस यही है कि आपका फ़ोन अगर रूटेड है तो आपका जो इंटरनल डेटा है उसमें से डेटा को रिकवर किया जा सकता है, लाइक इमेज रहा तो वहाँ से हम डेटा को निकाल सकते हैं। तो देखिए मेरे केस में कई सारे फ़ोटो डिलीट हो चुके थे जिसको मैं रिकवर करने की कोशिश करूँगा। देन गाइस यहाँ पे ये बेसिक स्कैन है, उसके बाद से आप लोग यहाँ पे किसी भी फ़ोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं। जो फ़ोटो डिलीट है वो सारे फ़ोटोज़ यहाँ पे शो होंगे, दिखेंगे। गाइस इन दिस केस कि आपको सभी फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है, एंड देन रिकवर पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फ़ोटो है वो रिकवर सक्सेसफुली हो जाएगा। आप स्पेशली किसी एक फ़ोटो को रिकवर कर सकते हैं, एक फ़ोटो को रिकवर करेंगे तो आपको उसी फ़ोटो पे क्लिक करके आपको रिकवर पर क्लिक कर देना होगा। अगर मल्टीपल फ़ोटोज़ को रिकवर करना चाहते हैं तो चेकबॉक्स पर, यानी कि जितने फ़ोटोज़ को आप रिकवर करना चाहते हैं उन सभी चेकबॉक्स पर चेक कर दीजिए। देन आप लोग रिकवर पर क्लिक कर देंगे तो वो सभी फ़ोटोज़ जितने हैं वो रिकवर हो जाएंगे। आप लोग चाहते हैं सभी फ़ोटो को रिकवर करने के लिए तो सेलेक्ट ऑल करके सभी फ़ोटो को रिकवर कर सकते हैं, एंड देन यहाँ से पाँच चूज़ करेंगे। पाँच चूज़ करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना होगा, और ये आपकी स्टोरेज में जाके वो डेटा सेव हो जाएंगे, यानी कि डिलीट हुए जो डेटा थे वो जाके सेव हो जाएंगे। देन गाइस आप लोग देख सकते हो मैं सक्सेसफुली अपने डिलीट हुए फ़ोटो को रिकवर कर पाया हूँ। आप लोग इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। तो ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि ये ट्रिक जो है एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल जाए। ओके, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।